हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में किस टाइप से कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये प्रैक्टिकल करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सर्च नहीं किया है तो आप अपने यूट्यूब पर जाएँ और यहाँ पर आप मेरा नाम टाइप करें, रोहित स्पेस सानू, आपको सबसे फ्रंट में मेरा जो है चैनल दिखाई देगा। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका जो बेस है वो आपका 2 होता है और जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका जो बेस है वो 10 होता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एक बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में किस टाइप से जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम कहाँ पर यूज होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो हमने एक वीडियो बनाई हुई है वर्डी नंबर सिस्टम, आप उस वीडियो को देख लें। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसके अंदर जो है सिर्फ 2 ही डिजिट होती हैं, एक 0 होती है और एक 1 होती है। तो इसी प्रकार से दोस्तों इसका जो बेस है वो आपका 2 होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसके अंदर 0 और 1 नाम की ही डिजिट है और यहाँ पर इसका जो बेस है वो 2 है। अब दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ऑक्टल में आप इसको किस टाइप से कन्वर्ट करेंगे, आज हम इसमें बताएंगे कि आप बाइनरी को डेसिमल में किस टाइप से कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जो है आपके 10 डिजिट होती हैं जो कि 0 से लेकर 9 तक होती हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। इसी तरीके से आपके इसके अंदर 9 भी होता है, तो 0 से 9 तक की जो वैल्यू है अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो वो आपकी 10 हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर जो दोस्तों आपका बेस दिख रहा है वो आपको 10 दिख रहा है। तो दोस्तों हमें इस बाइनरी नंबर सिस्टम को जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों ये जो नंबर है वो है आपका 110110। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ पेंट में और मैं यहाँ इस नंबर को एक बार यहाँ पर जो है वो टाइप कर लेता हूँ। नंबर मैंने आपको बताया है क्या है हमारा नंबर, 110110। और दोस्तों हमने जो है इसको जो कन्वर्ट करना है वो हमने कन्वर्ट करना है इसको डेसिमल में। तो दोस्तों ये जो है वो एक बाइनरी नंबर सिस्टम है जिसका जो बेस है वो आपका 2 है, इसका जो बेस है वो आपका 2 है। और थोड़ा सा ठीक सा लिख देता हूँ, और जो हमने इसको कन्वर्ट करना है वो हमने करना है 10 में, जिसका बेस क्या है आपका 10 है। तो आप एक बार देख सकते हैं हमारा नंबर यही है 110110, तो वही नंबर हमने यहाँ पर लिखा। तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही आपका एक सिंपल फॉर्मूला है जो कि आपका यूज होना है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको कन्वर्ट करना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके लिए जैसे कि लास्ट में हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए, ऐसे यहाँ पर इसमें एक फॉर्मूला है, आप बड़े ध्यान समझें। तो दोस्तों यहाँ पर आपने करना क्या है, करना ये है कि आपको जो ये डिजिट दिख रही है लिखी हुई 110110, तो आपने क्या करना है कि इसका यही फॉर्मूला है कि राइट हैंड साइड से आपने चलना है और जो ये पहली डिजिट है ये चाहे 1 हो या 0 हो इसकी वैल्यू जो है ना आप हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे। तो इसकी वैल्यू हो गई 0 दोस्तों, अब इससे आगे वाली जो विथ है उसकी वैल्यू जो है अब वो मान लीजिएगा आप 1 दोस्तों, यही इसका तरीका है। तो इसकी वैल्यू होगी दोस्तों 1। इसी तरीके से जो इसके आगे वाली वैल्यू डिजिट है दोस्तों इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 2। तो ये दोस्तों इसी तरीके से नंबर आपके बढ़ते चले जाएंगे, इससे आगे वाली जो डिजिट होगी दोस्तों इसकी वैल्यू जो आपको माननी पड़ेगी वो आपको माननी पड़ेगी 3। इसी तरीके से दोस्तों इससे आगे वाली जो डिजिट होगी ये वाली इसकी वैल्यू आपको माननी पड़ेगी 4। और इसी तरीके से दोस्तों इसमें जो आपको ये लास्ट वाली डिजिट दिख रही है इसकी जो वैल्यू है वो हमने माननी पड़ेगी 5। और इसी तरीके से दोस्तों अगर यहाँ पे और 0 या 1 होता तो उसकी वैल्यू आप 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे ही मानते चले जाते। तो दोस्तों इसका यही फॉर्मूला है। तो दोस्तों पहली जो इसकी यहाँ पर डिजिट लिखी हुई है उसकी वैल्यू हमने 0 मानी, फिर 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे आप आगे कंटिन्यू करते रहते अगर आगे और नंबर लिखे होते। अब दोस्तों ये जो आपने लिखा है इनका आपने करना क्या है, करना ये है दोस्तों यहाँ पर बड़ा सिंपल सा है कि जो ये 1 डिजिट आपकी लिखी हुई है इस 1 डिजिट को यहाँ पर लिखो, 1 मैंने लिखा। अब दोस्तों यहाँ पर आप इसको गुणा करो, ठीक है। उसके बाद जो दोस्तों ये बेस है, बेस कितना है इसका 2 है, आप यहाँ पर 2 लिखो। और दोस्तों इसकी जो 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 है, तो आप 2 की पावर कर दो 5, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपने क्या करना है कि 1 के बाद जो दूसरी वैल्यू हो 1 उसके लिए आपने यहाँ पर प्लस लगाना है। तो देखो दोस्तों ये जो है ना इसकी वैल्यू पूरी हो गई है, अब आपने प्लस लगाया, अब दूसरी वाली वैल्यू आ जाएगी तो आप यहाँ पर 1 लिखें, उसके बाद फिर से आप गुणा करें और फिर गुणा करके दोस्तों आप 2 लिखें
और दोस्तों ये जो आपने ये वाला जो वन लिखा है इसकी वैल्यू क्या है, मैंने क्या मानी है, फोर, तो टू की पावर आ जाएगी फोर। उसके बाद फिर से दोस्तों आपने क्या करना है, प्लस करना है तीसरी बिट के लिए, तो तीसरी बिट दोस्तों क्या है इसकी, ये जीरो है, तो आपने यहाँ पर जीरो लिखना है, गुणा, फिर से आपने दोस्तों इसको गुणा करना है किससे, टू से, तो आपने यहाँ पर टू लिया। अब दोस्तों जीरो की जो वैल्यू है वो कितनी है, थ्री, तो दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, थ्री, टू की पावर थ्री। फिर से आपने प्लस करना है, प्लस करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट डिजिट है वो आपकी क्या है, वन, तो आपने लिखना है वन, गुणा। अब फिर से दोस्तों इसका बेस आपने यहाँ पर लिखना है कितना है, टू। अब वन की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है, टू, तो टू की पावर हो गई दोस्तों टू। फिर प्लस, प्लस करने के बाद दोस्तों अब नेक्स्ट जो वैल्यू है वो क्या है आपकी, वन है, तो वन, गुणा, हाँ फिर से आपने टू लिखना है, और दोस्तों यहाँ पर टू की पावर कितनी आएगी, वन, क्योंकि इस वाले वन की जो वैल्यू है जो हमने यहाँ पर लिखा है वो वन है। उसके बाद फिर से आपने प्लस का साइन लगाना है दोस्तों, उसके बाद फिर से, अब दोस्तों लास्ट में क्या डिजिट बची है आपकी, जीरो, हाँ तो जीरो गुणा टू। अब दोस्तों यहाँ पर टू की जो पावर है वो क्या आएगी, जीरो की जो वैल्यू है, जीरो की वैल्यू है जीरो, तो यहाँ पर टू की पावर आ जाएगी आपकी जीरो, ठीक है। अब दोस्तों आप इसे कीजिए, अब वन गुणा टू की पावर फाइव का मतलब दोस्तों कितना होता है, सिंपल सा, आप में से कुछ लोग बोलेंगे टू फाइव जा टेन, हाँ तो दोस्तों टू फाइव जा मीन्स दो पंजे दस, ये बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों आपने टू की पावर फाइव का जो मतलब है वो किस तरीके से निकालना है, आपने ऐसे गुणा करो, ठीक है, दो की दो से दो बार हो गई, फिर तीन हो गया, फिर चार हो गया, और फिर गुणा पाँच हो गया, तो इस तरीके से आप निकालो, दो धुनी चार, चार धुनी आठ, आठ धुनी सोलह, सोलह धुनी बत्तीस। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, जैसे कि दो धुनी चार, हाँ चार धुनी आठ, आठ धुनी सोलह, सोलह धुनी बत्तीस। तो दोस्तों यहाँ पर टू की फाइव का जो मतलब है वो टेन नहीं है, यहाँ पर टू की फाइव का जो मतलब है वो है आपका 32 प्लस, प्लस के बाद अब दोस्तों ये वाली वैल्यू, ठीक है, वन गुणा, तो यहाँ पर टू की पावर फोर है, तो टू फोर जा एट नहीं होंगे दोस्तों यहाँ पर, यहाँ पर यू नो, यहाँ पर देखो आप कितना होगा, दो धुनी चार, चार धुनी आठ, आठ धुनी सोलह, तो यहाँ पर टू की पावर सिक्स का मतलब दोस्तों क्या आएगा, सिक्सटीन, हाँ तो आप सिक्सटीन लिखेगा यहाँ पे, फिर प्लस, ठीक है। अब वैसे दोस्तों ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि जिसकी गुणा आपकी जीरो से होती है वो आपकी टोटल क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर आप टोटल इसे क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं, प्लस नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या है दोस्तों, वन गुणा टू की पावर टू का मतलब दो धुनी चार, बिल्कुल ठीक जवाब है, तो फोर आ गया आपका, प्लस प्लस, अब वन दूसरी हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको, वन हाँ गुणा टू की पावर वन का मतलब दोस्तों टू प्लस, उसके बाद दोस्तों ये बचा लास्ट वाला, तो जीरो, हाँ दोस्तों ये टोटल जीरो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जीरो गुणा, अब दोस्तों देखो जिसकी पावर जीरो होती है चाहे वो टू हो या टेन हो या आपका सिक्सटीन हो या हंड्रेड हो या टू हंड्रेड हो, अगर किसी की पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा वन होती है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैथ का एक फॉर्मूला है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, या आपने मैथ पढ़ा है तो आपको पता है कि अगर किसी की पावर, किसी वैल्यू की पावर जीरो होती है तो उसका जो इक्वल टू होता है वन होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो वन होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो 32 प्लस, ठीक है, यहाँ पर वन से आप इसकी करेंगे तो दोस्तों आपका 16 आ जाएगा प्लस, दोस्तों ये तो जीरो हो ही गया आपका, लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसे यहाँ से करेंगे तो यहाँ से दोस्तों आपका पूरा 4 आ जाएगा, हाँ यहाँ से दोस्तों आपका 2 आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ फिर आपका जो है वो ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी जीरो हो जाएगी, तो ये वैल्यू आपकी जीरो हो गई। अब दोस्तों आप इसे जो है वो यहाँ पर सम कर लें, जी ये कितना हो गया आपका, जी 32, और ये आपका कितना हो गया और ये कितना हो गया, तो आप इसे जो ना यहाँ पर थोड़ा सा सम कर लें, तो ये आपका 32 प्लस आपका ये कितना हो गया, ये आपका 16, और 4 कितना हो गया आपको दोस्तों 20, और ये कितना हो गया आपका 22, तो 22 इजिकल टू, अब दोस्तों कितना हो गया ये 2 2 4, और आपका कितना आ गया 3 2 5, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है वो कितना आया है 54, और इसकी जो बेस आ गया वो कितना आ गया 10।
तो दोस्तों ये हमारा आंसर आया है। हाँ तो दोस्तों ये जो हमारे पास बाइनरी नंबर था 110110, इसको जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है 54। तो दोस्तों ये आंसर सही है या गलत है, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना सिखाया था, तो आप यहाँ पर स्टार्ट पर जाएं और यहाँ पर आप CAL लिखें तो ऊपर आप देखेंगे कैलकुलेटर आ गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप व्यू में जाते हैं तो स्टैंडर्ड आपका जो कैलकुलेटर है वो इस टाइप का होता है। अब आपने क्या करना है, व्यू में जाना है और यहाँ से प्रोग्रामर पे क्लिक करना है। तो देखें आपका जो कैलकुलेटर है वो थोड़ा चेंज हो गया है। अभी हमारा नंबर कौन सा था, बाइनरी, आपने यहाँ से बाइनरी सेलेक्ट करना है और ये नंबर लिखना है, नंबर है 110110, आप देख लें 110110। अब हमने जो इसको दोस्तों कन्वर्ट किया है वो किस में किया है, डेसिमल में। तो दोस्तों यहाँ पर देखें आपको बाइनरी ऑक्टल डेसिमल दिख रहा है, आप डेसिमल पे क्लिक करेंगे तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो इसने दिखाया वो क्या दिखाया, 54। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर आया है। जैसे कि हमने आपने हमारा आंसर देखा कि हमारा आंसर भी जो है वो 54 ही आया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने आंसर की पुष्टि कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है या गलत है। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने सीखा कि हम किस टाइप से एक बाइनरी नंबर को एक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी टाइप से नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कि आप एक बाइनरी नंबर को एक हेक्साडेसिमल नंबर्स के अंदर किस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।